हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल इट लोकेसर अनलिमिटेड जोन सो क्लास चल रही है यहाँ पे क्लास एलेवेंथ और केंद्रीय विद्यालय का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ईयर 2023 2023-24 की स्कीम का पेपर चल रहा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने और आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर इसके पहले हमने सिक्सटीन तक डिस्कस कर लिया था आज हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन से डिस्कस करेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कह रहा है पहले आप लोग एक बार स्क्रीन में पढ़ लीजिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी फॉर द इक्वेशन इन द इक्वेशन एफ इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी टी डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम एफ आपके पास ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर फोर्स दे रखा है आपको इसमें ए अपॉन बी की आपको चाहिए डायमेंशंस चाहिए है, ठीक है ना तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है f इज इक्वल्स टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर आपको चाहिए है a अपॉन बी की एक्सपेंशन तो a अपॉन बी की डायमेंशन के लिए आपको a की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए और b की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए अब देखिए डायमेंशन वाइज यदि देखा जाए तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि ईच टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए इक्वल तो एफ़ की डायमेंशन इक्वल टू ए रूट एक्स की डायमेंशन इक्वल टू बी टी स्क्वायर की डायमेंशन ठीक है ना एफ़ की डायमेंशन क्या होती है एम की पावर माइनस टू ये ए की डायमेंशन होती सॉरी एफ की डायमेंशन होती है ए तो कांस्टेंट है ये जो भी है कोफ़िशेंट कांस्टेंट रूट एक्स क्या होगा एक्स को डिस्प्लेसमेंट माना जाता है तो रूट एक्स हो गया अंडर रूट एल रूट एक्स हो गया अंडर रूट एल क्वेश्चन ने खुद ही दिया है कि जहाँ पे एक्स डिस्टेंस है आप देखना चाहें देख लीजिए यहाँ पे लिखा है वेयर एक्स इज अ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल और टी इज अ टाइम वापस चलते हैं अपने काम पे और बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे है बी और टाइम की डायमेंशन क्या होती है टी कैपिटल का होल स्क्वायर अब वन बाई वन कंपेयर करिए सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ए रूट एल मतलब एल की पावर वन पॉइंट टू इक्वल्स टू एम एल टी की पावर माइनस तो गी, गी, टू तो ए की डायमेंशन जो आएगी वो आएगी एम एल टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एल की पावर वन बाई टू देखिए कुछ पावर नहीं है मतलब वन पावर है मतलब एम एल की पावर वन बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस डिवीजन में पावर माइनस और टी की पावर माइनस टू एम एल की पावर वन बाई टू और टी की पावर माइनस टू यह आ गई आपकी ए की डायमेंशन अब बी की डायमेंशन निकालने के लिए फिर से रूल लगेगा इन दोनों को कंपेयर करिए सो एम एल टी की पावर माइनस टू कंपेयर होगा किससे बी टी स्क्वायर से सो बी की डायमेंशन निकलेगी कितनी एम एल टी की पावर माइनस टू और यहाँ पे कितना है टी की पावर टू आ जाएगा तो टी की पावर ऊपर टू जा करके कितना हो जाएगा बी की डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस टू एक और माइनस टू एक तो एम एल टी की पावर माइनस फोर ये आ गई हमें ए अपॉन बी की डायमेंशन चाहिए है तो निकालते हैं ए अपॉन बी की डायमेंशन देखिए ए की डायमेंशन कितनी है एम एल की पावर वन बाई टू और टी की पावर माइनस टू है और बी की डायमेंशन हमारे पास कितनी है बी की डायमेंशन हमारे पास है एम ओके एल टी की पावर माइनस फोर तो यहाँ से एम से एम कैंसिल हो चुका है ठीक है ना एम से एम कैंसिल हो चुका है देखिए यहाँ से एल की पावर वन बाई टू और नीचे एल की पावर वन है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एल की पावर वन बाई टू और है ना एल की पावर वन बाई टू तो देखिए कितना हो जाएगा ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये हो जाएगा एल की पावर वन अपॉइंट टू और माइनस का वन बिकॉज नीचे वन है और इधर कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस टू और माइनस टू पर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का फोर है ना बिस स, सब्ट्रैक्शन तो होगा मगर माइनस की वजह से वो फोर बन जाएगा तो एल की पावर वन बाई टू माइनस वन कितना होता है माइनस वन बाई टू और टी की पावर कितना हो जाएगा प्लस टू तो आंसर इसका आ जाएगा ए अपॉन बी की जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी एल की पावर माइनस वन बाई टू और टी की पावर प्लस टू डन तो ये रहा इस सवाल का आंसर तो ये रहा हमारे इस सवाल का जवाब और ये क्वेश्चन नंबर बच्चों सेवनटीन है आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर चल रहा था ये क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आई होप इट इज़ क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ डन अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ क्वेश्चन नंबर एटीन क्या कह रहा है देखेंगे पहले हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन ये एटीन टू वैक्टर्स ए दिया है और बी दिया है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब एकदम बच्चा क्वेश्चन है फ्री के मार्क्स वाला बट ये आता जरूर है है ना तो दो वेक्टर हैं और परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलरिटी की शर्त क्या होती थी ए डॉट बी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है सो इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर सो हमारे पास जो वेक्टर दिए गए हैं फर्स्ट वेक्टर वी हैव गिवेन हीयर एक्वल्स टू फाइव आई कैप प्लस सेवन जे कैप माइनस थ्री के कैप ओके okay, क्वेश्चन आप लोग लिख लिया करिए जैसे मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ पॉज करके वीडियो को एंड बी वैक्टर इक्वल्स टू टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस अल्फा के कैप सो बी वैक्टर इक्वल्स टू हाउ मच टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस अल्फ़ा के कैप नाउ दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा सो ए डॉट बी मैं निकाल लेता हूँ उसको जीरो से कंपेयर कर दूंगा ए डॉट बी कैसे निकलते हैं कॉम्पोनेंट का मल्टीप्लाई करके फाइव टू जट टेन ओके प्लस सेवन टू जा फोर्टीन और माइनस माइनस प्लस अल्फा इक्वल टू कितना जीरो थ्री अल्फा इक्वल्स टू ज़ीरो सो टेन प्लस फोरटीन दिस इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर प्लस थ्री अल्फा इक्वल्स टू जीरो सो थ्री अल्फा इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस ट्वेंटी फोर सो थ्री अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का ट्वेंटी फोर अल्फा इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर बाई थ्री ओके सो थ्री सेवन ज ट्वेंटी वन थ्री एट ज ट्वेंटी फोर सो आंसर इज माइनस एट सो द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर इक्वल्स टू माइनस एट डन इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन आप लोग पहले देख लीजिए आगे बढ़ने के पहले फिर मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर एटीन इज डन ओके आपको दो मार्क्स मिल जाएंगे करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन वी ठीक है ना? और तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई थ्री हंड्रेड परसेंट देन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम ये क्वेश्चन उन बच्चों से बनता है जो ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पहचान है उन बच्चों की जो बहुत पढ़ते हैं ठीक है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज इन थ्री हंड्रेड परसेंट देन फाइंड द इंक्रीज इन मोमेंटम आइए करते हैं क्वेश्चन को आप आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा अब आइए हम क्वेश्चन को करते हैं ठीक है देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर एटीन है नाइनटीन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय थ्री हंड्रेड परसेंट मान लेते हैं इनिशियली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल इक्वल्स टू के थी कितनी थी के थी अब कह रहा है कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को थ्री हंड्रेड परसेंट से इंक्रीज कर दिया गया है सो so, के फाइनल इक्वल्स टू इंक्रीज कर दिया गया है के में कितना बढ़ाया गया है 300. इसका थ्री हंड्रेड परसेंट है ना के में कितना बढ़ाया गया है थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ के थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ के मतलब जो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी थी उसका थ्री हंड्रेड परसेंट सो इट विल बी के प्लस थ्री हंड्रेड परसेंट को मैं लिखूँगा थ्री हंड्रेड अपॉन हंड्रेड इन टू के ऑफ का मतलब के होता है हंड्रेड से थ्री टाइम कैंसिल हो गया सो ये कितना हो गया के प्लस थ्री के ये हो गया हमारे पास फोर के मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ चुकी है फोर के ओके अब देखिए अब कह रहा है इंक्रीज इन मोमेंटम निकालना है तो हमने मान लिया पी इनिशियल इक्वल टू कितना होता है पी इनिशियल का पी का फार्मूला कितना होता है टू एम के मोमेंटम इक्वल्स टू होता है टू एम के तो इनिशियल कानेट इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया अंडर रूट टू एम के मैंने शायद रूट नहीं बोला था तो रूट सुन लीजिए पी का जो प्रोडाय मोमेंटम का फार्मूला होता पी इज इक्वल्स टू अंडर उम के तो ये इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम की मैं बात करूँ तो टू की जगह टू रहेगा मास की जगह एम रहेगा के की जगह फाइनल मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगी एनर्जी कितनी 4k, फोर के ओके तो कितना हो गया ये पी फाइनल इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा टू एम के और यहाँ पे हो चुका है फाइनल मोमेंटम अंडर ही जगह यहाँ पे फोर एम के मतलब टू फोर जा एट एम के ठीक है यहाँ पे एट एम के हमको कह रहा है कि हमको कह रहा है कि बताइए कितने कि परसेंट इंक्रीज़ इन मोमेंटम हुआ है हमको ये बताना है कि मोमेंटम जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गया है तो चलिए हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम तो परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या होता है मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाय मोमेंटम इनिशियल और मल्टीप्लाई बाय 100 ये होता है किसी भी चीज़ के परसेंटेज चेंज का फार्मूला तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कितना है फाइनल मोमेंटम है अंडर रूट एट एम के इनिशियल मोमेंटम है अंडर रूट टू एम के और नीचे जो मोमेंटम है वो भी है अंडर रूट टू एम के ठीक है अब आप तो कहाँ पे वेरी गुड बिल्कुल सही यहाँ पे हंड्रेड तो रहेगा ही क्योंकि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं अंडर रूट एट एम के अंडर रूट एट एम के को मैं लिख सकता हूँ फोर इंटू टू एम के और माइनस अंडर रूट टू एम के और यहाँ पे भी अंडर रोट टू एम के और इन हंड्रेड अब एक काम करिए आप अंडर उम के ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा ये रूट अंडर फोर यहाँ पे बचेगा वन और यहाँ पे बचेगा अंडर उम के इंटू कितना हंड्रेड भाई आप किसी चीज़ में से वही चीज़ कॉमन ले लोगे जैसे आपके पास में मान लो फोर एक्स है और फोर एक्स माइनस एक्स है तो अगर आप यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो फोर माइनस वन ही तो बचेगा तो वही क्वांटिटी आपने कॉमन ले ली है तो आपके पास कितना बचेगा माइनस वन ओके और ये आपने रूट टू एम से रूट टू एम के कैंसिल कर दिया तो फोर में से यहाँ आ गया टू माइनस वन क्लियर इंटू हंड्रेड परसेंट टू माइनस वन इंटू हंड्रेड परसेंट टू फोर का रूट कितना होता है टू होता है ना अंडर रूट फोर इक्वल्स टू टू तो टू माइनस वन तो कितना आ गया वन इन हंड्रेड आंसर हंड्रेड परसेंट मतलब कि यदि आप काइनेटिक एनर्जी को 300 परसेंट से बढ़ा रहे हैं तो मोमेंटम कितने परसेंट से चेंज हो जाएगा 100 परसेंट से चेंज हो जाएगा डन yes. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कर दिया इसको आप लोग एक बार में पूरा देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से है ओके आई होप इट इज क्लियर टू यू चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं ओके देखिए क्वेश्चन गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कर रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी छोड़ दीजिए ट्वेंटी वन पहले देखेंगे अब ओके ट्वेंटी वन है नेम द टू फिजिकल क्वांटिटीज विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्लानटरी मोशन प्लानटरी मोशन में दो क्वान्टिटी बताइए जो कॉन्सटेंट रहती है तो आपको प्लानिटरी मोशन मैंने पढ़ाया है कहाँ पढ़ाया है ग्रेविटेशन चैप्टर में ये देखिए ये मोशन है ओके yes. ये एक मैंने बताया था कि जो ऑप्टिकल होती है जो शेप हुआ करती है वो ऑप्टिकल हुआ करती है ऑर्बिट की शेप किसकी शेप ऑर्बिट की शेप जो होती है ऑप्टिकल हुआ करती है और जो सन जो होता है वो पॉसिबली इन दो प्लेसेस में हुआ करता है या तो वो S1 पे होगा या तो वो S2, S2 पे पर होगा और इसी को हम ये प्लानरी सिस्टम बोलते हैं और ये देखिए ये प्लानेट है ये क्या है कोई प्लानट है इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा ये ग्रीन कलर से प्लानट है तो मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी कि दो चीज़ें कॉन्सटेंट रहती है पहली होती है कि प्लानट का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कॉन्सटेंट रहता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है कॉन्सटेंट रहता है दिस इज इक्वल्स टू एम वी आर प्लानट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एम वी आर होता है ये कॉन्सटेंट रहता है कारण ये है क्योंकि इस पर ये किसी प्रकार का टॉर्क नहीं लगता है टॉर्क इक्वल्स टू जीरो ओके okay? और अगर एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क जीरो है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो सबसे पहली चीज इसमें पूछा गया कौन सी चीज कांस्टेंट रहती तो पहला आंसर था तो फर्स्ट जो आंसर था वो था एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट आंसर था क्या मोमेंटम और जो सेकेंड चीज कांस्टेंट रहती है उसका नाम था एरियल वेलोसिटी एरियल वेलोसिटी अपने यदि हमने हमारे पूरे वीडियोस देखे हैं यदि आपने तो आपको बड़ा इजी समझ में आ रहा होगा कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है मैंने बताया था कि प्लानट जो एरिया कवर करता है इक्वल टाइम में वो इक्वल हुआ करता यहा यहा है मान लीजिए ये एरिया यहां से प्लान यहा से यहां गया है यदि प्लान जो है यहां से यहां गया ये देखिए यहां से लेके प्लान यहां पहुंच गया है और यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इस प्लान को लगे हैं तीन दिन कितने दिन लगे हैं थ्री डेज और थ्री डेज़ में इस प्लानट ने कोई एरिया के कवर किया है कितना कवर किया है के okay. है ना इक्वल टाइम में इक्वल एरिया तो अगर जब ये प्लानट चलते चलते यहाँ पे आएगा तो ये इसके थ्री डेज़ ये यह एक्चुअली यहाँ पे ये तेज़ी से भागेगा क्योंकि सन के पास में है तो यहाँ पे इसके थ्री डेज़ में भी ये इक्वल एरिया कवर करेगा ये देखिए इसका एरिया ये है तो यहाँ पे भी इस एरिया की अमाउंट कितनी होगी के होगी कितनी होगी पहले भी अमाउंट की थी तो ये तो ये जो वेलोसिटी कहलाती है जिस ये जो एरिया इक्वल कवर करने की जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी एरियल वेलोसिटी ओके डी ए बाई डी इसको बोला जाता है डी ए बाई डी टी दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी तो कंसेप्ट ये है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है ना वो कांस्टेंट हुआ करती है इसको एरियल वेलोसिटी हम बोलते हैं तो कंसेप्ट ये है कि डी ए बाई डी टी जो हुआ करता है वो कांस्टेंट हुआ करता है क्या हुआ करता है जी कांस्टेंट हुआ करता है मतलब एरिया जो होता है उसकी एरिया कवर करने की जो वेलोसिटी हुआ करती है वो हमेशा कांस्टेंट तो दो चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट रहती हैं प्लानिटरी मोशन में एक एंगुलर मोमेंटम ओके और दूसरा एरियल एरियल वेलोसिटी एरियल वेलोसिटी डन नोट कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में रीड कर रहा हूँ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पी ऑफ अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी डी हाइट एच ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड ऑल्सो ऑन एक्सलरेटिंग एक्सलेशन जी ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव द फॉर्मूला फॉर प्रेशर पी तो आपको प्रेशर पी के लिए यहाँ पे फार्मूला डिराइव करना है और तीन वेरिएबल आपके पास दिए गए हैं एक डेंसिटी एक हाइट और एक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आइए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं कैसे होगा ये प्रश्न शुरुआत देखिए आपके आपको डेवलप क्या पन्ना है पी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है तो लेट हमने ये माना ट्वेंटी टू है ओके okay. तो हमने ये माना कि यहाँ पे जो प्रेशर पी है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है तो मैंने ये समझा कि पी एक प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी पी प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड पी प्रपोर्शनल टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मगर ये कुछ पावर से डिपेंड करेगा तो ये ए ये भी ए और ये भी इक्वेशन नंबर वन टू थ्री इनको ले सकता हूँ यदि मैंने तीनों को मर्च कर दिया थे वन टू एंड थ्री है ना मैंने तीनों को मर्च कर दिया तीनों को मर्च करने के बाद मेरे को क्या मिला पी प्रपोर्शनल टू डी टू द पावर ए एच टू दावर बी एंड जी टू दावर सी था यहाँ पे ओहो मैंने तीनों ए लिख दिया गलती से c g to the power c अब मैं लिखता हूँ p इज इक्वल्स टू के कॉन्सटेंट डी टू दावर ए एच टू दी पावर बी एंड जी टू दी पावर तीनों कॉन्सटेंट हो चुके हैं यहाँ पे है ना अब मैं यहाँ पे इसको आप इक्वेशन नंबर a दे दो जो हमारी जरूरत का है अब मैं यहाँ पर डायमेंशनल इक्वालिटी का रूल लगा रहा हूँ है ना बाई डायमेंशनल एनालिसिस तो डायमेंशनल इक्वालिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिसी भी इसको बोलते हैं तो क्या कहता है कि एक एक फिजिकल इक्वेशन के एक करेक्ट फिजिकल इक्वेशन के दोनों तरफ की डायमेंशन क्या होती, होती है इक्वल होती हैं तो P की डायमेंशन डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ K और D की पावर A H की पावर B और G की पावर C डायमेंशनली इक्वल होंगे ये तो अब P की मैं वैल्यू रख रहा हूँ P देखिए P के डायमेंशन यदि आपको याद हो तो आई थिंक P की डायमेंशन एम एल की पावर माइनस वन और t की पावर माइनस वन हुआ करता है बट निकाल लेते हैं हम यहाँ पे डायमेंशन कैसे निकालेंगे देखो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स होता है एम एल टी की पावर माइनस टू और एरिया होता है कितना आ, एक ही एक एरिया मतलब होता है एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर थोड़ी सी गलती हुई है हाँ तो एल स्क्वायर से एक से एक पावर कट जाएगी और एक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू तो यहाँ पे जो बनेगा एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू ये हो गया कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है तो छोड़ देंगे डी मतलब डेंसिटी अब डेंसिटी आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी एम अपॉन एल की पावर थ्री जो बन जाएगा एम एल की पावर माइनस थ्री तो ये बन गया भाई साहब एम एल की पावर माइनस थ्री का होल पावर ए दूसरा बनेगा एच एच क्या होती है लेंथ होती है हाइट यानी लेंथ होती है लेंथ का कंपोनेंट होती तो ये बी और जी बन जाएगा भाई साहब एल टी की पावर माइनस टू क्योंकि जी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो मीटर के चलते एल आएगा और सेकेंड स्क्वायर के चलते टी स्क्वायर आएगा सो इट विल गिव यू एल टी की पावर माइनस टू एंड होल पावर बिकम सी ये डोनो ठीक क्लियर है चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको देखिए सो so, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये सब हटा के एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू एंड दिस इज़ इक्वल्स टू अब देखिए एम की पावर अलग अलग करता हूँ तो एम की पावर यहाँ से फर्स्ट से आएगी ए क्योंकि ए अंदर जाएगा है ना एम की पावर ए नाउ सेकेंड एल की पावर देखिए एल की पावर इससे माइनस थ्री है एल की पावर इससे कितना आएगा माइनस थ्री ए माइनस थ्री इन ए इससे एल की पावर बी मिलेगी प्लस बी और इससे एल की पावर सी मिल जाएगी एल की पावर फाइनली टी की पावर बचिए तो टी की पावर ए तो है नहीं कुछ इसमें भी कुछ नहीं है केवल माइनस टू सी माइनस टू सी अब चलिए कंपेयर करते हैं तो रूल क्या है कि दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल होंगे तो यहाँ पे एम की पावर कितना है वन है तो कंपेयर करने पर यहाँ पे ए किसके इक्वल आ गया वन के इक्वल तो कंपेयर करने पर ए इक्वल्स टू वन एक बॉक्स रख दीजिए इसके ऊपर दूसरा देखिए माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस सी माइनस थ्री ए और प्लस का बी और प्लस का सी इक्वल टू कितना है माइनस वन है क्योंकि यहाँ पे लेंथ की पावर कितनी है माइनस वन ठीक है ना इसको छोड़ दीजिए अभी तीसरा देखिए लास्ट में यहाँ पे माइनस टू है यहाँ पे माइनस टू सी है तो माइनस टू सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा माइनस टू के क्योंकि पावर टी की माइनस टू है क्लियर है ना yes. ओके बिल्कुल सही तो माइनस से माइनस कैंसिल yes. और सी इक्वल टू टू बाई टू तो सी भी कितना आ चुका है वन अब ए की वैल्यू पता है बी सी की वैल्यू पता है तो इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगी बी की वैल्यू पुट करता हूँ मैं माइनस थ्री ए कितना आया हमारा वन आया है प्लस बी हमारे पास कितना आया है बी का पता नहीं है और सी की वैल्यू कितनी है वन इक्वल टू माइनस का वन ठीक है तो ये कितना हो गया ये, ये हो गया माइनस थ्री प्लस वन प्लस बी इक्वल टू माइनस का वन तो यहाँ कितना हो गया माइनस टू प्लस बी इक्वल टू माइनस वन तो बी इक्वल टू माइनस वन प्लस टू तो बी इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब प्लस वन तो हमारे पास अब ए भी आ गया बी भी आ गया सी भी आ चुका है तीनों में बॉक्स के अंदर कर देता हूँ ये बी है ये सी है सी इक्वल्स टू वन है सी की, की, की वैल्यू वन है सी की वैल्यू वन है ओके अब हम निकालते हैं फॉर्मूला जो हमारे पास था वो था पी इक्वल्स टू के डी की पावर ए एच की पावर बी और जी की पावर सी तो पी इक्वल्स टू के है ना h की पावर ए है ना डी की पावर बी सॉरी डी की पावर ए एच की पावर बी सी तो डी की पावर ए एच की पावर बी और जी की पावर अच्छी बात यह है कि तीनों वन है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला ए बी सी तीनों वन है तो P इक्वल्स टू के टाइम्स D की पावर A, H की पावर वन सॉरी a की जगह वन और C की G की जगह भी कितनी C की जगह कितना वन तो आंसर आ गया P इक्ल टू के एच को आगे लिख लो D को पीछे लिख लो G को सबसे पीछे तो ये बन गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर का एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू वन आती है लैब में तो जिन लोगों ने प्रेशर पढ़ रखा उनको पता होगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो के छोड़ के आ जाएं जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको पता है कि एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू कितनी आती है वन तो प्रेशर जो निकलता है किसी लिक्विड कॉलम का है ना वो कितना होता है एच यानी हाइट ऑफ द वाटर कॉलम या हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हो गया एच डी जी डन yes, तो इस तरीके से आप जो है प्रेशर निकाल सकते हैं डन चलिए तो पिछले क्वेश्चन की समाप्ति के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जो कह रहा है डिराइव ड्रॉ द वेलॉसिटी टाइमग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड बॉडी ड्रॉ करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए एंड डिराइव द इक्वेशन मोशन V square minus u square equal to 2s by graphical method मैथड graphical method का यूज़ करके हमको इसका इक्वेशन भी derive करना है बहुत ही सरल सवाल है आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है ये तो सबसे पहले मैं velocity टाइम ग्राफ draw करूँगा यहाँ पे Vt टी ग्राफ जिसको बोलते हैं हम लोग उसको मैं draw करने जा रहा हूँ तो कैसे draw करेंगे देखिए ये velocity axis है स्मॉल v ये टाइम axis है t हमने माना कि कोई पार्टिकल है वो यू वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और कैपिटल वी वेलोसिटी तक जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के द्वारा ये देखिए फाइनल की वेलोसिटी कितनी हो गई है वी और ग्राफ क्या है स्ट्रेट लाइन मतलब कौन सा मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे टाइम कितना है जीरो और यहाँ पर टाइम कितना है कैपिटल टी है ना इसने कैपिटल टी टाइम चली है बॉडी जो चली है कैपिटल टी टाइम चली है अब सबसे पहले हम यहां पर एक्सेलरेशन निकालते हैं क्या निकालते हैं विद डेफिनेशन एक्सलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो वेलोसिटी फाइनल कितनी है ओके okay, तो सॉरी बच्चों यहाँ पे इंटरप्शन आ गया था पावर कट हो गया था इस वजह से हम लोग यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गए थे ओके वंस अगेन सभी बच्चे ध्यान देंगे तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक्सलेशन इक्वल टू रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी तो इसकी वैल्यू मैं बताऊँगा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो चेंज इन वेलासिटी कितनी हुई है वी माइनस यू फाइनल वेलासिटी भी इनिशियल यू है अपॉन कितना चेंज इन टाइम है कैपिटल टी रखा मैंने यहाँ तक के टाइम को क्या ले रखा कैपिटल तो एक्सलेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन कितना टी है तो यहां से मैं टी की वैल्यू भी निकाल सकता हूं फिलहाल इसको इतना ही रहने दीजिए अब आगे देखते हैं कि हमारे पास जो एरिया हमको याद रखिएगा थर्ड इक्वेशन ड्राइव करना है और थर्ड इक्वेशन आप लोगों को पता होगा क्या होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस ये होता है जी होता है ना अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक आपने एक रूल पढ़ा है कि जो ग्राफ का यूवी ग्राफ का जो एरिया होता है सॉरी डिस टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो आपको क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है क्या देता है डिस्प्लेसमेंट तो मैं लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट